पाकिस्तान से आए आतंकियों को सेना चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। खबर के अनुसार उरी सेक्टर से बारामुल्ला के जंगलों में घुसे आतंकियों को मारने के लिए सेना ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है। आतंकियों को जंगलों में चारों ओर से घेरने के बाद पैरा कमांडो को हेलीकॉप्टर से आतंकियों के ठिकाने पर उतारा गया। पैरा कमांडो ने पल भर में ही चार आतंकियों को बम से उड़ा दिया। इसके बाद सेना ने बारामुल्ला के जंगलों में सर्च अभियान चलाया, जिसमें एक आतंकी गुरुवार सुबह सेना के चक्रव्यूह में फंस गया। जवानों ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। आपको बता दें, सीमा पार से घुसपैठ कर उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला के रफियाबाद तक पाकिस्तानी आतंकी घुसाए थे। नियंत्रण रेखा से ये इलाका 5 से 6 किलोमीटर अंदर है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक पैरा कमांडो भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को गुरेज सेक्टर में भी घुसपैठ का प्रयास नाकाम बनाते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान एक मेजर सहित 4 सैन्यकर्मी भी शहीद हो गए थे। जानकारी के अनुसार सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल्स और सेना के पैरा कमांडो दस्ते के साथ मिलकर राज्य पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि रफियाबाद के ऊपरी इलाके में घुसपैठिए छिपे हुए हैं। वो 15 अगस्त के मद्देनजर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जंगल में छिपे आतंकियों को सेना और पैरा कमांडो ने घेर कर ढेर कर दिया। सेना और पुलिस के जवान जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार अभी 3 से 4 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।